अब हम आगे चलते हैं सर। एक डायरेक्ट सेलर ने रजत कुमार जी की बातों को फॉलो किया जी, एक अच्छी कंपनी चुन ली या वो अच्छी कंपनी में जुड़ा हुआ है जी जी, और अब वो ज्वाइन हो गया है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है और उसको रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं मिले हैं अगर वो ज्वाइन है भी, तो अब उसे क्या करना चाहिए कि उसको अच्छे परिणाम आए? मैंने थोड़ा सा नहीं समझ पाया, मतलब ज्वाइनिंग अभी नया नहीं हुई है? हाँ, मतलब दोनों ऑप्शन अगर माने हम, नया ज्वाइनिंग हुआ है या ज्वाइनिंग तो पुराना है लेकिन उसके पास में परिणाम नहीं है, रिजल्ट अच्छे नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को भी हम ये माने कि वो स्टार्ट ही कर रहा है अभी, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? देखिए, अगर वो एकदम मतलब नया है, राइट, एकदम नया है, बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया है, उसमें उनकी ऑफलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ओके, उनकी जो ऑफलाइन है वो उनको ऑफलाइन और उनकी जो रिलेशन है वो मदर चाइल्ड की रिलेशन अभी है स्टार्टिंग में, राइट, उनको ज्यादा अभी जानकारी है नहीं है, तो उनको ये ज्यादा केयर करेंगे। अगर स्टेप मुझे पूछेंगे तो अगर नया व्यक्ति का जो स्टेप मैंने आपको बताऊंगा, पहले से उनको और एक बार प्लान दिखाया जाए, ये थोड़ा सा नया लोगों का बात बता रहा हूँ, राइट राइट राइट, प्लान पे उनको थोड़ा सा अंदर घुस के उसको इनकम प्लान को दिखाया जाए और उसके साथ साथ जब जब इनकम आए उस समय उनकी गोल सेटिंग किया जाए, क्वेश्चन आंसर जरूर किया जाए कि सर अगर आपको 50,000 इनकम आएगा तो कैसा लगेगा, गाड़ी आएगी तो किसे होगी, घर आएगी, और अगर कुछ आंसर दे रहा है तो ये वेल एंड फाइन, अगर नहीं दे रहे हैं तब धीरे 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 करके हम लिखें कि यार 50,000 का इनकम मुझे लग रहा है इस लेवल तक आ सकता है, लाख रुपया आ सकता है, मैं आपके साथ में हूँ, धीरे 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 उनको अंदर में एक ड्रीम की शेडो क्रिएट किया जाए, एक छाव सा मतलब क्रिएट किया जाए, हो सकता है उसको पूरा वो देख पाए, हो सकता है नहीं देख पाए। उसके बाद जो थोड़ा सा ड्रीम बनाने के बाद में उसको कम से कम 2 मीटिंग के लिए प्रयास कराया जाए, उनके घर में होम मीटिंग के माध्यम से हो या कुछ लोगों को कैसे हम मिलेंगे वो प्रयास होनी चाहिए। अगर होम मीटिंग हो तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं हो पाया तो 1-to-1 भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये ऑफलाइन की थोड़ी सी काम रहेगी। और उसी बीच में उनको कुछ प्रोडक्ट खरीदाया जाए जो उसको यूज भी करे और इसको करे, ये होम मीटिंग के माध्यम से कुछ लोगों को उनको लाना चाहिए, ये नया लोग। माना जाता है एक व्यक्ति का जब ज्वाइनिंग होता है वो पैसा से ज्यादा मोटिवेट होता है जब वो किसी व्यक्ति ने उनके नीचे में ज्वाइन करता है। तो एक ऑफलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उसके नीचे में 2-4 ज्वाइनिंग करके निकाल के दिखा दे, तब उनका फिर क्या होता है ना, स्टार्ट हो जाता है। ज्वाइनिंग भी उसी व्यक्ति की लिस्ट की, उसी व्यक्ति की लिस्ट का, हाँ, अपना नहीं देना, सही क्वेश्चन आपने पूछे, उन्हीं के लिस्ट से, उन्हीं के माध्यम से खुद प्लान दिखा के मोटिवेट करके थोड़ी सी केयरिंग करके तो उसको ज्वाइनिंग, 1-2 हम बोलते हैं, ए के नीचे बी, बी के नीचे सी, जब आता है तब उस समय वो डिस्ट्रीब्यूटर रह जाता है, उसके ऊपर तक हम लोग का एक ऑफलाइन का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, और थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम में उसको बांध के रखें जैसे में वो लंबा जा पाएगा। इसको हम लोग यूँ समप, मतलब मैं उसको अगर कंक्लूड करूँ तो सबसे पहले एक डायरेक्ट सेलर अगर जुना है, जुड़ा है, तो ड्यूटी सबसे ज़्यादा अपलाइन की है, हाँ, जो उसके स्पॉन्सर में आते हैं, इमीडिएट जो स्पॉन्सर है वो काम नहीं कर रहा तो ऊपर में जो व्यक्ति है वो ये देखे, सबसे पहले उसको प्लान दिखाए और प्लान दिखाते समय ही उसके गोल सेट करें, हाँ, प्लान पेपर से ही, मतलब प्लान से ही, हाँ, वहीं से निकाले कि भाई इतनी इनकम कब तक लेनी है, हाँ, महीना वहाँ पे बिल्कुल अंकित हो जाए जी जी, और उसके बाद में उसकी लिस्ट बना के होम मीटिंग किया जाए, उसके लोगों को उसके नीचे ज्वाइन करवाया जाए और ताकि उसको एक मोटिवेशन मिले। और तीसरा जो पॉइंट आपने बताया सर, उसको एजुकेशन सिस्टम के साथ में जोड़ा जाए, जोड़ दिया जाए ताकि फिर एजुकेशन सिस्टम के साथ में आगे बढ़ता है, और उसी बीच में उसकी प्रोडक्ट परचेजिंग जरूरी है, प्रोडक्ट परचेजिंग जरूरी है ताकि वो प्रोडक्ट यूज करे तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़े। जब क्या है कि जब हम लोग ने कॉन्टैक्ट कर देते हैं, इन्विटेशन देते हैं, उसी बीच में एक व्यक्ति को प्रोडक्ट हम खरीदा सकते हैं कि अभी मीटिंग होने वाला है आप खरीद लो, right, या फिर अगर स्टार्टिंग से वो रेडी है तो भी खरीदा सकते हैं प्रोडक्ट, लेकिन बहुत जरूरी है, विदाउट प्रोडक्ट में ये काम ज्यादा बनने वाला नहीं है। That's great, sir. अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।